सो प्यारे बच्चों, आज हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से देख सकते हैं। और इसके बाद हमें जो है दो क्वेश्चन और करने हैं। क्वेश्चन का नाम है सेंट्रल बैंक क्या होता है, ठीक है। इसी के अंदर मैंने डिफरेंस डाला है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस बताना है, और एक क्वेश्चन और डाला है लोन और ओवरड्राफ्ट क्या होता है। क्वेश्चन आएगा सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, आपको मैंने जैसे बताया था कि कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो पब्लिक से डील करते हैं, कमर्शियल बैंक में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आते हैं। सेंट्रल बैंक क्या होता है, हेड होता है, और ये किसके लिए काम करता है, बैंक्स के लिए और सरकार के लिए, ठीक है जी। सो क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट इज सेंट्रल बैंक, क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाई सेंट्रल बैंक इज अ अपेक्स इंस्टीट्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग अपेक्स, अपेक्स का मतलब होता है सबसे बड़ी संस्था, क्यों कही जाती है, क्योंकि ये हर चीज पे कंट्रोल रखता है। माना पब्लिक से डील नहीं करता पर पब्लिक के लिए काम करता है, तो आंसर क्या लिखना आपको, इट इज अ प्रिंसिपल बैंकिंग, इट इज अ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है हेड, इस तरह ये हमारे देश का हेड है बैंकिंग का, प्रिंसिपल बैंकिंग एंड मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री। मॉनिटरी का मतलब होता है देश में पैसा चलाना, पैसा छापने की जिम्मेदारी इसके ऊपर होती है, विच हैज द मोनोपोली टू इशू नोट, जिसके पास पावर होती है पैसे छापने की। कोई कमर्शियल बैंक पैसे नहीं छाप सकता, सिर्फ कौन छापता, आरबीआई। आगे की बात पढ़ते हैं, सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन, अपेक्स मतलब मैंने बताया भव्य, बहुत बड़ा, जो पूरे देश को चलाता है, इन अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक का सारा सिस्टम भी यही देखता है और फाइनेंस का, देश के अंदर कौन सा लोन आएगा और कौन सा लोन नहीं आएगा ऑफ अ कंट्री, यही देखता है। गवर्नमेंट भी अगर कुछ डिस्कस करेगी लोन को लेकर, तो सिर्फ आरबीआई से डिस्कस करती है, कमर्शियल बैंक से डिस्कस नहीं करती है। इट इज अ लेंडर ऑफ द मनी, लेंडर मतलब आखिरी ऋण देने वाला व्यक्ति है सरकार को भी और बैंकों को भी, ऑफ द मनी मार्केट, ठीक है जी, मनी के अंदर। हैंस प्ले एन अ लीडिंग रोल, लीडिंग का मतलब होता है आगे, जिसे बोलते हैं हेड ऑफ द बैंक, लीडिंग रोल इन कंट्रोलिंग, देश के अंदर कंट्रोल करता है ये किसको, सारे पैसे को, रेगुलेशन, कैसे पैसा दिया जाएगा कैसे नहीं दिया जाएगा, सुपरविजन देखता रहता है। नौकरी भी कोई प्राइवेट बैंक बिगर आरबीआई के पूछ के नहीं दे सकता, सुपरविजन मतलब यही होता है, नहीं ब्रांच नहीं खोल सकता। एंड डेवलपिंग अ बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक, तो देश में कहां एटीएम खुलेंगे, पहले एटीएम नहीं खुलते, तो सिर्फ बैंक से पूछ के ही, यानी आरबीआई से पूछ के ही बैंक कार्य कर सकता है। तो आरबीआई का काम है मेन कंट्रोल, रेगुलेट, सुपरविजन और डेवलपिंग करना। आगे आता है, इट इज कॉल्ड अ सेंट्रल बैंक बिकॉज इट ऑक्यूपाई अ की पोजीशन इन मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर, इसलिए इसको हेड कहते हैं, क्योंकि देश का सारा पैसे का जिम्मेदारी रखने की, उसको चलाने की और बैंकिंग को देखने की किसके पास होती है, आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक। तो प्यारे बच्चों, सेंट्रल बैंक को इसलिए अपेक्स इंस्टीट्यूशन कहते हैं क्योंकि कंट्रोल, रेगुलेट, सुपरवाइज, सुपरविजन सब कुछ काम इसी का है। डेवलपिंग, नए नए बैंकिंग के अंदर सिस्टम लाना, नए, अब ऐसे ही है बैंक लेके आ गया कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर कितनी पॉलिसी है, क्या है, इन सब की जिम्मेदारी। अगर कोई बैंक खुदा ना खासा लूट जाए तो उस बैंक के पैसे की जिम्मेदारी भी आरबीआई पे आती है, और कोई बैंक अगर डूब जाए तो उस बैंक को रिकवर करने की जिम्मेदारी आरबीआई की, क्योंकि बैंक में तो पब्लिक का पैसा है और आरबीआई वो संस्था है जो पब्लिक के लिए काम करती है, पर पब्लिक उसके पास नहीं जा सकती, उसने अपने नीचे किन को रख रखा, कमर्शियल बैंक को। इसलिए सेंट्रल बैंक को अपेक्स इंस्टीट्यूशन कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, हेड कहते हैं। अब अंतर पढ़ते हैं कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में, टीचर का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है, क्लियर है। तो पहला ऑब्जेक्टिव कमर्शियल बैंक का, चाहे वो एसबीआई हो चाहे वो आईसीआई बैंक हो, इट ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट एंड डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन, कोई भी काम करेगा सिर्फ प्रॉफिट के लिए करेगा। सेंट्रल बैंक ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसका काम है देश के अंदर महंगाई मंदी कुछ भी आए इकोनॉमी को स्टेबल करना है कंट्री के अंदर, क्लियर है। अगला स्टेटस, इट इज जस्ट अ यूनिट ऑफ बैंकिंग सिस्टम कैरी आउट द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ये सेंट्रल बैंक का पार्ट है, जो सेंट्रल बैंक कहेगा वो करेगा कमर्शियल बैंक। आगे आते हैं, इट इज अपेक्स बॉडी, अपेक्स मतलब होता हेड है, जो ये बनाएगा वो सबको फॉलो करना है, ये किसी को फॉलो नहीं करता है। कंट्रोल एन एंटायर बैंकिंग सिस्टम, तो देश के जितने बैंक इसके अंडर आते हैं। अगला नंबर, कमर्शियल बैंक में भी मैनी एंड ईच बैंक हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांच, किसी की भी कितनी ब्रांच हो सकती है, और बहुत तरीके कमर्शियल बैंक होते हैं, आपको पता ही बैंक कितने सारे हैं, पर सेंट्रल बैंक इज अ वन इन नंबर, मे हैव अ फ्यू ब्रांच, तो थोड़ी बहुत ब्रांचेस है सेंट्रल बैंक की, आरबीआई की, कुछ दिल्ली में है, कुछ मुंबई में है, कोलकाता में है, पर ऐसा नहीं है इसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती है, और जो है ये एक ही है, देश का एक ही बैंक है जो मैं छापता हूं, वो आरबीआई है। अगला आता है रिलेशनशिप विद पीपल, कमर्शियल बैंक मेंटेन दैट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप होते हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक को इससे ही ये डिपॉजिट लेता है, पब्लिक को ये लोन देता है, इट हैज नो डायरेक्ट रिलेशन विद द पीपल एट लार्ज, तो पब्लिक से रिलेशन नहीं होता आरबीआई का, पर पब्लिक के लिए काम करता है। आगे रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट, बैंक में भी इन प्राइवेट सेक्टर इन पब्लिक सेक्टर, बैंक प्राइवेट और पब्लिक हो सकता है, पर ये हमेशा कौन सी एजेंसी है, गवर्नमेंट, कौन सा, आरबीआई सेंट्रल बैंक, क्लियर है जी। तो ये प्राइवेट सरकारी दोनों हो सकते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगला डिफरेंस है लोन और ओवरड्राफ्ट क्या होता है, क्लियर है। ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बताया था जैसे कि पिछली वीडियो में, कि आपका खाता खुला हुआ है बैंक में और
करंट अकाउंट और आपने चेक फाड़ दिया 12,000 का, पर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, बैंक आपको ऑटोमेटिकली तभी के तभी लोन देता है, पर थोड़े दिन बाद वो आपसे पैसे वापस कर लेता है, इसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। लोन का मतलब होता है आपने किसी चीज पे लोन लिया, प्रॉपर्टी पे लोन लिया, गाड़ी पे लोन लिया है, क्लियर है, ये बातें होती हैं और कुछ नहीं। लिखा है लोन इज गिवन अगेंस्ट सिक्योरिटी, हाँ कुछ गिरवी रखोगे तो मिलेगा। ओवरड्राफ्ट इज ग्रांटेड विदाउट एनी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में नहीं मिलता है, सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है जिसकी इमेज अच्छी होती है, क्लियर है बिजनेसमैन को। अगला, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द फुल अमाउंट ऑफ द लोन वेदर द विड्रॉन और नॉट। मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी लोन, गाड़ी ली है आपने, थोड़ी चलाई है, सब चलाई है, तो आपको जो है इसपे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पर यहाँ इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द अमाउंट एक्चुअली ड्रॉन ड्रॉ। आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की आपका चेक 20,000 तक आपको बैंक लोन दे सकता है, आपने चेक 10,000 का फाड़ दे, 10,000 आपके अकाउंट में थे, बैंक ने जो है आपको सिर्फ 2,000 की जरूरत पड़ी, तो 2,000 पे आपका जो है इंटरेस्ट लगेगा, ना कि 20,000 पे जो आपकी क्रेडिट लिमिट है, तो ये आपको बताया भी था मैंने। अगली लाइन क्या लिखी हुई है, इट डज नॉट रिक्वायर करंट अकाउंट ऑफ द प्रोजेक्ट, इसमें करंट अकाउंट की जरूरत नहीं होती, पर आपको मैंने बताया था कि ओवरड्राफ्ट सिर्फ किसको मिलेगा, करंट अकाउंट के लिए। ये लॉन्ग टर्म लोन मिलता है 5 साल 10 साल, और ये शॉर्ट टर्म थोड़े दिन में ही बैंक इसको आपसे रिकवर कर लेता है, ये करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है, जो बात आई थी। और जितना आपने लिया है उतना आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 50,000, मान लो आप किसी को 50,000 का चेक काट सकते हो, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, बैंक तब भी वो चेक के पैसे आपको दे देगा, ठीक है, पर मान लो आपने 50,000 नहीं 10,000 का 10,000 यूज किया ओवरड्राफ्ट, तो 10,000 पे ब्याज लगेगा, यहां आपने जितने गाड़ी यूज किया उतने का ही आप पे लोन लगेगा, ठीक है जी।